राजस्थान के लाखों डिफॉल्टर किसानों को सरकार से ब्याज मुक्त ऋण लेने का सपना चकनाचूर हो रहा है। अपेक्स बैंक के अधिकारियों की लाल फीताशाही और सहकारिता विभाग के अधिकारी सुस्ती के चलते प्रदेश के किसानों को सरकारी अल्पकालीन फसली ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मरुधरा के अन्नदाताओं की मुश्किलें कम करने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है, लेकिन सहकारिता विभाग के अधिकारी इन योजनाओं को कागजों में दफन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सीएम गहलोत ने करीब एक महीने पहले डिफॉल्टर्स किसानों को ऋण देने का फैसला किया, लेकिन सहकारिता विभाग के अधिकारी बिल्कुल सुस्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 7,50,000 डिफॉल्टर किसानों में से अब तक सिर्फ 900 किसानों को ही ऋण बटा है। यहां तक कि घटिया मॉनिटरिंग और अवेयरनेस की कमी के चलते सिर्फ 4,000 आवेदन हुए। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि अगर ऋण बांटने में देरी हुई तो दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब सरकार ने माफ कर दिया तो उसके बाद नया लोन देना चाहिए। उनके खाते में कोई बाकियात है नहीं तो उनको ऋण देने में कोई अड़चन भी नहीं होनी चाहिए। एमसीएल के आधार पर ऋण दिया जाता है, अगर वो डिफॉल्टर होंगे तो एमसीएल के आधार पर कार्रवाई करना। हैरानी की बात ये कि राजस्थान के 16 जिलों में अब तक एक भी डिफॉल्टर किसान को ऋण नहीं बटा। इसमें टोंक, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर, जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, अलवर और अजमेर शामिल है। अब इन जिलों के एमडी पर सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि उन्होंने 2 बार मीटिंग लेकर अधिकारियों को ऋण बांटने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद अफसर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे अफसरों के खिलाफ सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी। डिफॉल्टर किसानों के मामले में निर्णय हमने करीब 16 तारीख की जो मीटिंग थी उसी में कर दिया था, उसी से प्रक्रिया शुरू हो गई। संभवतः मेरे को जो सूचना मिली है उसके आधार पर बीकानेर में और बाड़मेर में काम शुरू कर दिया है। दूसरी जगह मैंने तो पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ डिफॉल्टर के नाम पर किसानों को ऋण नहीं मिल रहा उन सबको ऋण देने के लिए रास्ते खुले कर दिए हैं। अगर कहीं होगी तो इसके मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती कहने के बावजूद भी अगर किसानों के हितों की रक्षा नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूबे के 33 जिलों में बाड़मेर को छोड़कर सभी जिलों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। अब तक 900 किसानों को ऋण बट चुका है, जिसमें अकेले बाड़मेर में 632 किसानों को ऋण मिला है। मंत्री आंजना ने गृह जिले चित्तौड़गढ़ में 143 किसानों ने आवेदन किए, जिसमें से सिर्फ 70 किसानों को ऋण मिला। सहकारिता विभाग में ऋण बांटने का पूरा काम अपेक्स बैंक को दिया है, लेकिन सीएम आदेशों को दरकिनार करके बैंक के अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में तस्वीर से साफ है कि जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार की योजनाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं और इनकी लापरवाही से किसानों को नुकसान हो रहा है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।